अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जलंधर बिल्डिंग मटीरियल स्टोर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आए हुए थे फैसलाबाद और ये मेरे साथ अहमद भाई हैं। इस वक्त हम फैसलाबाद की जो टॉप की सोसाइटीज़ या आप कॉलोनीज कह लें उनमें से एक वापडा सिटी है, तो इस वक्त हम वापडा सिटी में मौजूद हैं। ये इधर प्रॉपर्टी का काम करते हैं, सेल और परचेज दोनों काम करते हैं और रेंट वगैरह पर भी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, दुकानें या आपके घर और प्लाजा वगैरह वो देते हैं। तो अभी मज़ीद इनसे मैं पूछता हूँ कि क्या इधर सिचुएशन है, कैसी मार्केट है, प्राइस वगैरह क्या है। अगर आप फैसलाबाद से हैं और प्रॉपर्टी वगैरह किसी अच्छी कॉलोनी में बाई करना चाहते हैं या रेंट वगैरह के लिए आप सोच रहे हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त कॉलोनी है। मैं आपको थोड़ी सी इसमें मज़ीद पिक्चर वगैरह और वीडियोज़ वगैरह ऐड करने की कोशिश करूँगा। बाकी मज़ीद मैं अहमद भाई से पूछता हूँ कि वापडा सिटी के बारे में बताएँ कि इसकी खसूसियात क्या हैं, क्यों लोग इसमें घर लें, और जो है अगर किसी ने रेंट पर भी लेना है तो उसके बारे में भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वापडा सिटी की जो सबसे बड़ी और मेन खसूसियत है, यहाँ पे जो आपको पानी है वो पूरे फैसलाबाद में इस तरह का पानी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये कि लाइट यहाँ पे अगर एक पूरा दिन भी नहीं है तो आपको पानी पूरा दिन मिलेगा, और पानी के लिए आपको मोटर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो बड़ी बड़ी टैंकियाँ पीछे लगी होंगी आप देख सकते हैं वीडियो में, इनमें से पानी आ रहा होता है। और ये जो पानी है ये मिनरल वाटर है, ये नेस्ले से अच्छा पानी होता है यहाँ का ना। लोग ज़्यादा यहाँ पे इसलिए भी आते हैं ताकि यहाँ पे जो पानी है ना वो बंदे को जवान कर देते हैं। और दूसरा जो यहाँ के प्लॉट्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी अच्छा है। अहमद भाई, आपने पानी के बारे में बताया, पानी बेसिक एक नीड है, ज़रूरत है, वो अच्छी बात है अगर यहाँ का पानी अच्छा है। इसके अलावा ये जो वापडा सिटी है फैसलाबाद की, जो दूसरी सोसाइटीज़ हैं उनसे किस तरह ये अच्छी है, कोई और इसकी जो मेजर खसूसियत है, और प्राइस के हवाले से भी लाजमी पहले आप बता दें कि इसकी मेन खसूसियात और क्या है। मेन खसूसियत जो है इसकी, यहाँ पे जो सफाई है और पार्क्स आप देख लें नीट एंड क्लीन, वो पूरे फैसलाबाद में आपको इस तरह के पार्क्स, सड़कें आपको इतनी नीट एंड क्लीन ही मिलेंगी जहाँ पे जी। ये तो मैंने खुद मुशाहदा किया है कि बहुत अच्छे रोड्स हैं। और ये जो वापडा सिटी का टोटल रकबा है फेस वन का 36 मरबे पे मुश्तमिल है, काफ़ी बड़ी है फिर तो ये। और ये जो पीछे पार्क मैं देख रहा हूँ, इस तरह का यही पार्क है या और भी? और भी काफ़ी यहाँ पार्क्स हैं, हर तकरीबन ब्लॉक में एक पार्क और एक मस्जिद और स्कूल भी जो है वो दिया हुआ है। अच्छा, आप में से अगर कोई भी दोस्त फैसलाबाद से है और यहाँ पर कोई भी बाई करना चाहता है प्रॉपर्टी या मकान वगैरह या रेंट वगैरह पर भी कोई लेना चाहता है, तो मैं अहमद भाई का नंबर और इनका यूट्यूब का चैनल भी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं मज़ीद अगर आपने मालूमात लेनी है। इधर प्राइस के हवाले से बता दें कि पर मरला के हिसाब से क्या चल रहा है इधर जो वापडा सिटी है? प्राइसेस जो हैं यहाँ पे कम से कम 5 मरला के बता देता हूँ आपको मैं एवरेज रेट। यहाँ पे 5 मरला जो प्लॉट की प्राइस है वो 65 से लेकर 75 तक एवरेज रेट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे आपको प्लॉट लेते हैं वो ज़्यादा आपको जो है वो डी वैल्यू नहीं होता, जैसे कि बाहर आप फैसलाबाद में देख लें प्रॉपर्टी काफ़ी गिर जाती हैं, यहाँ पर वो इतना वो सिस्टम नहीं है। सेल परचेज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, आजकल के हालात की वजह से भी जो है फिर भी अच्छी जा रही है आजकल। वैसे ओवरऑल अगर देखें तो प्रॉपर्टी का काम डाउन है, जो मतलब कि पाकिस्तान की ओवरऑल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, लोगों की इस तरह जो है कुव्वत खरीद बहुत कम हो गई है। तो वापडा सिटी के हालात किस तरह से आप काम करते हैं, यहाँ पर काम के हवाले से क्या अपडेट है? वापडा सिटी के जो सेल परचेज है वो बाकी सोसाइटी से अच्छी है ज़रा। यहाँ पर जो है आपने कोई अपना प्लॉट सेल करना हो, प्लॉट आपने लेना हो, तो मतलब कोई ज़्यादा सेल के हवाले से बताएं कि सेल हो जाता है? सेल आपने करना हो तो वो समय लें आप, जल्दी हो जाता है। सही, आपको 2-2 महीने वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब कि विद इन अ डेज, फ्यू डेज में हो जाता है। फ्यू डेज में हो जाता है और आपको अच्छा मार्जिन भी जो है वो मिल जाता है अपने प्लॉट पर। चले जी, ये मैंने कुछ वापडा सिटी के, मैं खुद इधर आया हुआ था, विजिट किया था, मुझे ये पर्सनली बड़ी अच्छी जो कॉलोनी है लगी है, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाऊँ, स्पेशली जो फैसलाबाद बाहर के भी जो लोग हैं वो भी इधर अगर देख रहे हैं कि फैसलाबाद में कोई अच्छी सोसाइटी, तो वो अहमद भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी तकरीबन शाम हो चुकी है, वीडियो भी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो रही है, तो मैं वाइंड अप करना चाहूँगा वीडियो को। मैंने अहमद भाई का जो नंबर है वो आपको इधर दे दिया है, और इनका जो YouTube का चैनल है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है आप इनसे कॉन्टैक्ट करके वो ले सकते हैं। तो शुक्रिया अहमद भाई, आपने हमें टाइम दिया। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।